जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सभी के सामने SBI लाइफ इंश्योरेंस का वेब पेज जिस पर हमें स्मार्ट वेल्थ बिल्डर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ओपन हो रखा है। इस पेज को ओपन करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इस पेज में जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देता है। मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का प्रयोग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यदि एक पॉलिसी होल्डर 14 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 7 साल तक प्रतिवर्ष 50,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है तो पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर उसे 6,00,000 रुपए से भी अधिक मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट दिया जाता है। इस कैलकुलेटर में हमसे जो भी जानकारियां पूछी गई हैं, यदि हम उन जानकारियों को सही सही भर दें और कैलकुलेट पर क्लिक करें तो हमारे सामने राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमारी पॉलिसी से संबंधित आ जाता है कि हमें कब तक और कितने अमाउंट प्रीमियम के तौर पर जमा करना है तथा मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में हमें किस राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका कैलकुलेशन मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। लेकिन कैलकुलेटर का प्रयोग करने से पहले मैं आपको इस पॉलिसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताऊंगा। इस पेज में जब हम थोड़े नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाता है, जिसमें से हमें हु कैन बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें इस पॉलिसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती है। जैसा कि यहाँ हमें बताया गया है, पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर की मिनिमम उम्र 7 साल होनी चाहिए तथा मैक्सिमम उम्र 55 साल की होनी चाहिए। मैच्योरिटी के समय मिनिमम उम्र 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र 70 साल की होनी चाहिए। इस पॉलिसी को लेने के लिए हमारे पास 3 तरीके का ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम का होता है, दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम और तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का होता है। रेगुलर प्रीमियम के तहत जितने समय तक का पॉलिसी टर्म होता है उतने समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और पॉलिसी टर्म 12 से 30 साल तक का होता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन के तहत यदि पॉलिसी टर्म 12 से 14 साल तक का है तो प्रीमियम का भुगतान 7 साल तक करना होता है और यदि पॉलिसी टर्म 15 से 19 साल तक का है तो प्रीमियम का भुगतान 7 साल, 10 साल, 12 साल और यदि पॉलिसी टर्म 20 से 30 साल का है तो प्रीमियम का भुगतान 7 साल, 10 साल, 12 साल या फिर 15 साल तक करना होता है। सिंगल प्रीमियम के केस में 5 साल से 30 साल तक का पॉलिसी टर्म होता है और प्रीमियम का भुगतान एक बार में ही करना होता है। पॉलिसी लेते समय यदि रेगुलर प्लान का चुनाव करते हैं तो उस समय प्रतिवर्ष कम से कम 30,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है और यदि प्लान लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला लिया जाता है तो कम से कम 40,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होता है और सिंगल प्रीमियम के केस में कम से कम 65,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि पॉलिसी होल्डर द्वारा प्रीमियम का भुगतान ईयरली किया जाता है तो उस कंडीशन में प्रतिवर्ष देने वाली राशि का 10 गुना बेसिक सम अश्योर्ड कहलाता है और यदि प्रीमियम का भुगतान सिंगल प्रीमियम के रूप में किया जाता है तो उस कंडीशन में सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स बेसिक सम अश्योर्ड कहलाता है। बेसिक सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो पॉलिसी टर्म के बीच में किसी दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पॉलिसी होल्डर द्वारा एक साल में जिस राशि का भुगतान प्रीमियम के तौर पर किया जाएगा उसका 10 गुना पॉलिसी होल्डर के ऊपर पॉलिसी टर्म के बीच में लाइफ कवर चलता रहता है। चलिए अब मैं आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करके दिखाता हूं कि किस तरीके से 50,000 रुपए 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 14 साल के पॉलिसी टर्म वाले पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 6,00,000 से अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम नेम वाले ऑप्शन में अपना नाम टाइप कर देंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन से हम अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमसे प्लान टाइप के बारे में पूछा गया है। इस वीडियो में हम 14 साल के पॉलिसी टर्म के लिए बात कर रहे हैं जिसमें 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे जो कि हमारा लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे।
पॉलिसी टर्म वाले ऑप्शन में, हमारा पॉलिसी टर्म 14 साल का है तो पॉलिसी टर्म को हम यहाँ 5 से 14 साल में कन्वर्ट कर देंगे। प्रीमियम का भुगतान ईयरली कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर यह हमारा ऑप्शन ईयरली ही रहेगा। प्रीमियम अमाउंट हमारा 50,000 है इसलिए हम यहाँ पर 50,000 टाइप कर देंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारा 7 साल का है इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जब हम इस कैलकुलेटर में थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें उन 11 फंड के बारे में जानकारी मिल जाती है जिसमें इस पॉलिसी के तहत हमारे पैसों को निवेश किया जाता है। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इस पॉलिसी के तहत जब पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को लेता है तो उसका पैसा 5 साल के लॉकिंग पीरियड में चला जाता है। 5 साल तक पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकता। पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर द्वारा यहां पर दिए गए फंड ऑप्शन में से अपने चॉइस के हिसाब से कुछ फंड के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। यहां हम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे इसलिए इक्विटी फंड के ऑप्शन को हम 0 से 100% कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर हमें कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करेंगे सक्सेस का मैसेज आ जाता है, इस मैसेज को क्लोज करेंगे। देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमारे सामने कैलकुलेशन आ चुका है। पॉलिसी होल्डर द्वारा 50,000 रुपए ईयरली प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है जिसका 10 times 5,00,000 रुपए हो जाता है इसलिए यहाँ पर सम असुर 5,00,000 रुपए का हो गया। प्रीमियम का भुगतान 7 सालों तक करना है और पॉलिसी टर्म 14 साल का है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 14 साल पूरा हो जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में पॉलिसी होल्डर को यदि बोनस 8% के हिसाब से दिया जाता है तो 6,23,331 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में हमें शो कर रहा है कि मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलने वाला अमाउंट 6,23,331 रुपए तक हो सकता है। वास्तव में इस पॉलिसी के तहत जो भी रिटर्न मिलता है वह पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। हो सकता है जिस समय आपके पॉलिसी का टर्म पूरा हो तो आपको मिलने वाला रिटर्न 8% की जगह 10% 11% या फिर 12% हो सकता है जो कि उस समय के मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब यदि आपकी क्षमता है कि आप प्रीमियम का भुगतान 50,000 से ज्यादा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस कैलकुलेटर में प्रीमियम अमाउंट को 50,000 से चेंज करके जो करना चाहते हैं उतना अमाउंट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम प्रीमियम को 50,000 की जगह 1,00,000 रुपए कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे कैलकुलेशन हमारे सामने ऑटोमेटिकली शो करने लगता है। यहाँ अब हम प्रीमियम का भुगतान 1,00,000 रुपए कर रहे हैं इसलिए हमारा सम असुर 10,00,000 रुपए का हो जाता है। पॉलिसी टर्म 14 साल का है और 7 साल तक हमें 1,00,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 14 साल पूरा हो जाता है यदि बोनस 8% के हिसाब से दिया जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 12,56,948 रुपए का भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर के ऊपर 10,00,000 रुपए तक का लाइफ कवर चलता रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी किस तरीके से आपको लाइफ कवर के साथ साथ अच्छे खासे मैच्योरिटी अमाउंट बेनिफिट का भी लाभ प्रोवाइड करती है। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी तथा आप कैलकुलेटर का प्रयोग करना भी सीख चुके होंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपने लिए इस पॉलिसी को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर चुनाव कर सके। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।